पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें लोग पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलती है, जिसमें 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को सर्व पितरी अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष के दौरान परिजन अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक कर्मकांड करते हैं। माना जाता है कि इन कर्मों से पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार पर से पितरी ऋण उतर जाता है। हालांकि इस साल के पितृपक्ष को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई जा रही है। इसका मुख्य कारण साल के अंतिम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है, जो पितृपक्ष के दौरान घटित होंगे। 2024 में पितृपक्ष के पहले दिन यानी 18 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होगा। वहीं पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी 2 अक्टूबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे और इस वजह से सूतक मान्य नहीं होगा। फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहणों का समय शुभ नहीं माना जाता है और इसका प्रभाव पितृपक्ष पर भी पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान कोई भी धार्मिक कर्म जैसे श्राद्ध या पिंडदान करने से बचना चाहिए। इसलिए यदि आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कोई कर्मकांड कर रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी और नियमों का पालन करना होगा। यह समय आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्रहणों के कारण इसे शुभ नहीं माना जा रहा है। फिर भी श्रद्धालु इस अवधि में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन ग्रहणों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय करना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।